नमस्कार। अब तक हमने देखा था कि किस प्रकार यदि हमारे पास एक यादृच्छिक चर x है एवं जिसका घनत्व फलन हमें ज्ञात है अथवा हमने यह देख लिया है कि किस प्रकार यादृच्छिक चरों के घनत्व फलन से उनका द्रव्यमान फलन एवं द्रव्यमान फलन से घनत्व फलन ज्ञात किया जा सकता है, तो हम अब केवल और केवल यादृच्छिक चरों के घनत्व फलन की ही चर्चा करेंगे। एक यादृच्छिक चर x हमें ज्ञात है एवं उसका घनत्व फलन भी हमें ज्ञात है। हम यह जानना चाहते थे कि यदि हम एक अन्य यादृच्छिक चर y जो कि x का एक फलन है, y जो कि x का एक फलन है वह परिभाषित करें, तब y का घनत्व फलन क्या होगा। यह हमने पूर्व व्याख्यानों में देख लिया है एवं यह जानना सरल है। अब जब हम दो यादृच्छिक चरों की चर्चा कर रहे हैं, जब हम दो यादृच्छिक चरों x एवं y की चर्चा कर रहे हैं जिनका संयुक्त घनत्व फलन हमें ज्ञात है, तब यदि हम एक फलन z बराबर जी एक्स वाई परिभाषित करें, तब यदि हम एक फलन z बराबर जी एक्स वाई परिभाषित करें जहां g स्पष्ट रूप से द्विआयामी वास्तविक संख्याओं के तल से वास्तविक रेखा पर एक फलन है, तब हमें एफ जेड जेड ज्ञात करना है। प्रश्न यह है यह किस प्रकार होगा एवं हम यह क्यों करना चाहते हैं। दो प्रश्न हैं असल में, एक यह किस प्रकार करेंगे एवं हम यह क्यों करना चाहते हैं। पहले हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं क्यों। तो यह कोर्स मूलतः इलेक्ट्रॉनिकी एवं संचार अभियांत्रिकी के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है एवं हमारा लक्ष्य भी संचार अभियांत्रिकी एवं इलेक्ट्रॉनिकी अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन अंग्रेजी में बोलूं तो पर है। तो संचार में संचार अभियांत्रिकी जिसे अंग्रेजी में कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बोलते हैं, वहां पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यदि मेरे पास एक संकेत है जिसमें कोई सूचना है जिसे मैं ज्ञात करने का इच्छुक हूं, मेरे पास एक संकेत है एवं उस संकेत में एक सूचना है जिसे मैं ज्ञात करने का इच्छुक हूं, किंतु वह संकेत रव जिसे अंग्रेजी में नॉइज़ कहते हैं, नॉइज़ अर्थात कोई भी ऐसा संकेत जो हम नहीं चाहते वहाँ हो, वह संकेत रफ अथवा नॉइज़ में आच्छादित अर्थात ढका हुआ है, तब मैं किस प्रकार उस संकेत के सांख्यिकीय गुणधर्मों अथवा उस संकेत में छुपी उस सूचना को निकालूंगा। यह एक संचार अभियांत्रिकी का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है एवं संचार अभियांत्रिकी के इस कोर्स में एवं आने वाले कई अन्य कोर्सों में हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे। किंतु अभी हमारे पास यह है कि सूचना एक प्रकार का यादृच्छिक चर है, यह हम बाद में देखेंगे। उसी प्रकार रव भी एक प्रकार का यादृच्छिक चर ही है। तो रव से सूचना को निकालने के लिए इनके संयुक्त सांख्यिकीय गुणधर्मों की जानकारी आवश्यक है, इसीलिए हम संचार अभियांत्रिकी के सापेक्ष यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे लिए दो यादृच्छिक चरों का एक फलन हम किस प्रकार देखते हैं। तो अब अपनी मूल चर्चा पर लौटते हुए, हमें ज्ञात है
एक एफ एक्स वाई एवं जी भी लिख सकते हैं, यह हमें ज्ञात हैं। दो, हम ज्ञात करना चाहते हैं, क्या हमें ज्ञात है, हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं, एफ जेड जेड यह किस प्रकार होगा देखते हैं। अब एफ जेड जेड बराबर है अवकलन, यह दूसरा चरण होगा, पहला चरण हमें एफ से जेड ज्ञात करना है। प्रायिकता जेड अधिक नहीं है जेड से, बराबर है प्रायिकता जी एक्स वाई अधिक नहीं है जेड से, अर्थात यदि हम एक समुच्चय डी जेड परिभाषित करें जहां डी जेड आर दो का एक उपसमुच्चय है, इस प्रकार की डी जेड बराबर है एक्स वाई का एक क्रामिक द्वय, क्योंकि यह एक्स वाई को इस क्रम में ही रखकर होगा, इसलिए डी जेड एक्स वाई के क्रामिक द्वयों का एक समुच्चय है जहां पर कि अब हमने समुच्चय डी जेड को परिभाषित कर दिया है, एवं हम यह लिख सकते हैं कि प्रायिकता है प्रायिकता जी एक्स वाई बराबर है डी जेड यह, अर्थात एफ जेड जेड बराबर है देखने में कठिन लग सकता है, किंतु हम कुछ विशिष्ट फलनों के लिए इसे ज्ञात करेंगे एवं यह दिखाएंगे कि यह उतना कठिन नहीं है। तो जो पहला फलन हम देखेंगे वह है z बराबर है, यह सरल है, सरलतम फलन है, z बराबर है x जमा वाई एवं हम ज्ञात करना चाहते हैं एफ जेड जेड, अर्थात प्रायिकता x जमा वाई कम है इस z से। अब यदि हम एक्स वाई तल लें तब किसी भी z के लिए, यदि हम कोई भी z लें तब मान लीजिए x जमा वाई यह रेखा है, तब वह कुछ इस प्रकार होगा, यह x यह y एवं यह रेखा होगी x जमा वाई बराबर है z अथवा y बराबर है z माइनस x, यह इस रेखा के इस ओर पड़ने वाले सभी बिंदु, सभी द्वय, इन्हें हम बिंदु भी कह सकते हैं, इस समुच्चय डी जेड का अंग होंगे, यह देखना सरल है। अब हम डी जेड को परिभाषित कर सकते हैं द्वय एक्स वाई जहां x वास्तविक है एवं x कोई भी संख्या हो सकती है, y यह डी जेड की सरल परिभाषा है, x कुछ भी हो सकता है, y z घटा x होगा, हम इसे दूसरे रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं द्वय एक्स वाई जहां y कुछ भी हो सकता है एवं x क्या होगा,
क्षमा कीजिएगा, यह वाई जेड माइनस एक्स से अधिक नहीं होगा, इसी प्रकार एक्स जेड माइनस वाई से अधिक नहीं होगा। यह हमारे पास दो चरण आ गए एवं यह किसी भी एक जेड के लिए यह रेखाएं एक जेड को परिभाषित करती हैं। जेड कुछ भी हो सकता है किंतु यह रेखा एक जेड को परिभाषित करेगी। अब हमारे द्वारा पूर्व में परिभाषित एक्स और वाई को देखते हुए हम लिख सकते हैं एफ जेड जेड बराबर है समाकलन समाकलन डी जेड एफ एक्स वाई एक्स वाई डी एक्स डी वाई, जहाँ यह समाकलन अंदर वाला समाकलन क्षमा कीजिए डी वाई डी एक्स, यहाँ अंदर वाला समाकलन y के सापेक्ष है एवं बाहर वाला समाकलन x के सापेक्ष है। इसे मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ x माइनस अनंत से अनंत y, अब y क्या है, y है माइनस अनंत से z माइनस x, यह एफ एक्स वाई एक्स वाई डी वाई डी एक्स। जैसा मैंने पहले कहा कि यह समाकलन इस प्रकार लिखा जाएगा। अब यह एवं हम यह जानते हैं यह हम यह भी जानते हैं अब लेबनीज के समाकलन चिन्ह के अंतर्गत अवकलन के नियम के अनुसार यदि एफ जेड जेड बराबर है ए जेड से बी जेड एक्स जेड डी एक्स, तब डी बाई डी जेड एफ जेड बराबर है डी बी जेड बाई डी जेड वी डी जेड जेड घटा डी ए जेड बाई डी जेड वी ए जेड जेड जमा ए जेड से बी जेड डेल बाई डेल जेड वी एक्स जेड डी एक्स। यह यहाँ यदि हम इस समाकलन को देखें तब ए जेड है माइनस अनंत बी जेड है जेड माइनस एक्स एवं है एफ एक्स वाई एक्स वाई। यह देखते हुए ए जेड बराबर है शून्य बराबर है एक बराबर है शून्य, अर्थात एफ जेड जेड बराबर है माइनस अनंत से अनंत एफ एक्स वाई एक्स जेड माइनस एक्स डी एक्स। यह अर्थात यदि हमारे पास एक z हो जो कि x जमा y के रूप में दिया जा सके तब fz z को इस प्रकार लिखा जा सकता है। एवं यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, यदि x एवं y स्वतंत्र यादृच्छिक चर हैं, यदि x एवं y स्वतंत्र यादृच्छिक चर हैं तब हमें ज्ञात है एक्स वाई बराबर है एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई, यह अर्थात
बराबर है अनंत से अनंत एफ एक्स एक्स एफ वाई जेड माइनस एक्स डी एक्स, यह अर्थात यदि हमें z बराबर x जमा वाई का घनत्व फलन ज्ञात करना है जहां x एवं y स्वतंत्र हैं, तो z का घनत्व फलन x एवं y के घनत्व फलनों का कुंडलीकरण कॉन्वोल्यूशन होगा जिसे इस प्रकार दर्शाया जाता है। बात यहीं समाप्त नहीं होती। हमने x एवं y के विशिष्टता फलन भी परिभाषित किए हैं। जहां बराबर है प्रत्याशा, यह हमने परिभाषित किया है। अब फूरिये परिवर्तन पूरे परिवर्तन के कुंडलीकरण गुण कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ द फूरिये ट्रांसफॉर्म का प्रयोग करते हुए फाई जेड जेड बराबर है फाई एक्स ओमेगा गुणा फाई वाई ओमेगा, एवं हम विपरीत फूरिये परिवर्तन अर्थात अथवा विपरीत विशिष्टता फलन का प्रयोग करके जेड का घनत्व फलन ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आने वाले व्याख्यानों में हम कुछ अन्य विशिष्ट फलनों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।